सरकार पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई शिक्षा अभियान चला रही है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा में समस्याएं आ रही हैं। और ऐसा ही मामला हमें पता चला जहां बच्चे अपने भविष्य के लिए काफी चिंतित हैं। बता दें कि सरकार द्वारा जसपुर खंड विकास में तुमरिया डैम के समीप गुजल बस्ती में शिक्षा केंद्र संचालित था। उस केंद्र में करीब 65 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिससे अचानक जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा केंद्र संचालन पर रोक लगा दी गई है, जिससे केंद्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे करीब 5 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से जसपुर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। वही छात्रों ने कहा कि क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं है, अगर आसपास है तो वो भी 5-5 किलोमीटर दूर है। वही जंगल क्षेत्र होने के कारण हर वक्त जानवरों का भय सताता रहता है। साथ ही अभिभावकों ने सरकार से जल्द ही बच्चों के भविष्य को देखते हुए पूर्व संचालित केंद्र को फिर से संचालित करने की मांग की है, जिस पर प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी सीताराम कछारिया ने मीडिया को बताया कि इस केंद्र को मार्च में बंद कर दिया गया था, परंतु जल्द से जल्द इसके लिए अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जसपुर में अभी शिक्षा विभाग में एक NRST केंद्र चल रहा था, संभव 2000 के आसपास से चल रहा था NRST केंद्र, वो इस बार जो है उस केंद्र को बंद कर दिया गया है। लेकिन उन बच्चों के लिए जो है प्रति बच्चा 6000 रुपया उनके स्कॉट की सुविधा वहाँ बहाल की गई है, ताकि बच्चे आसपास के विद्यालय में, वहाँ दुर्गापुर प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ बच्चे एडमिशन करा के पढ़ सकते हैं। उनके आने जाने की सारी व्यवस्था जो है वो है, लेकिन वहाँ के गार्जियंस आए थे, उनका मांग ये था कि हमारा विद्यालय यहीं औपचारिक विद्यालय खुलना चाहिए, मतलब यहाँ पढ़ाई होना चाहिए, यहाँ विद्यालय दूर है और जंगल का रास्ता है, तो इस वजह से उनकी मांग है कि ये केंद्र हमारा चलाया जाना चाहिए। उसके संबंध में मैं खुद भी जो है निरीक्षण करूंगा, देखूंगा क्या स्थिति है, तो आगे की कार्रवाई जो होना होगा वो विभाग को अवगत करा दूंगा। स्कूल में पढ़ाते हैं, ये स्कूल गुजर बस्ती NRST केंद्र जसपुर ब्लॉक में पड़ता है। ये यहाँ पे 65 बच्चों की संख्या है, जो कि अब बंद हो चुका है। 31 मार्च 2024 को बंद कर दिया गया है स्कूल, जिसमें कि बच्चे कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर के बीच की दूरी में कोई स्कूल नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। सिर्फ यही एक स्कूल था जो कि बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे हैं, अब इसे भी सरकार ने बंद कर दिया है। ये बंद किया है परियोजना अधिकारी ने। हमारे पास फ़ोन आया था जो रूपपुर में सुमन नेगी है, उन्होंने फ़ोन किया था कि तुम्हारा विद्यालय बंद कर दिया गया। कृपाल सिंह है, ये बच्चे NRST के गुजर बस्ती के हैं। बच्चों के स्कूल जो चला था केंद्र, वो केंद्र जो है परियोजना अधिकारी के द्वारा बंद कर दिया गया 31 मार्च 2024। बच्चे उस समय 65 थे, अब टीचर 3 थे। हम बताएंगे कि ये योजना बंद कर दी गई, कोई व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय केंद्र के नाम से काफ़ी समय पहले चल रहा था, ये 2024 में बंद हो चुका है, और यहाँ पे 65 और 70 बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं। जो इसके बराबर में स्कूल है, 6-7 किलोमीटर दूरी दुर्गापुर है, और भोगपुर गांव है, 6-7 किलोमीटर दूरी पे है, तो आए दिन जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, बच्चों के जाने में बड़ी दिक्कत है। ये स्कूल दुर्गापुर, और वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी है, भोगपुर है, वहाँ पर 7 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर ये फॉरेस्ट एरिया में स्कूल है, तो ये 2024 में बंद हो चुका है, NRST केंद्र के नाम से चला था। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आदेश सिंह चौहान, जो जसपुर से विधायक है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदेश जी, आपका MKN न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आदेश जी, जिस तरीके से देखा गया है कि गुज्जर बस्ती में एक शिक्षा केंद्र संचालित और कहीं ना कहीं बच्चों को काफी सुविधाएं उसमें दी जा रही थी, लेकिन अगर बात करें तो मार्च महीने में उसके संचालन को रोक दिया गया, और अभी भी लोगों के द्वारा मांग की जा रही है, क्योंकि वो जंगल का इलाका और कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं की शिक्षा में काफी बाधा आ रही है, तो क्या लगता है ये जो मांग छात्राओं की ओर से की गई है, इस पे क्या कुछ अहम एक्शन लिया जा सकता है? ऐसा है कि 2009 में खोला गया था केंद्र जी, और ये बन गुजर है, लगभग इस टाइम उसमें 65 बच्चे हैं, और सरकारी अधिकारियों ने फरमान जारी करके कह रहे हैं कि मार्च में हमने बंद कर जी, ना बच्चों को अवगत कराया गया, ना वहाँ जो शिक्षक रखे हुए थे संविदा पे ना उनको, और जबकि वहाँ के बच्चे परेशान है, 2.5 महीने निकल गए, और अब वो कह रहे हैं हम व्यवस्था करेंगे वाहन की, जबकि वहाँ जंगल का रास्ता, वाहन वहाँ जा नहीं सकता बरसात के दिनों में,
तो उनकी मांग जायज है और शिक्षा का अधिकार सबका है जी। और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। नहीं, मैंने जो वहाँ सीओ है उनसे बात की थी जी। मैंने कहा भाई और सेंटर चल रहे हैं जिले में, हमारे तो यही सेंटर बंद क्यों किया गया? तो जबकि शिक्षा देने का अधिकार, मतलब जो सरकार जिम्मेदारी ले रही है कि सबको शिक्षित करना है, लेकिन मैंने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही जी। और जो क्योंकि सरकार का अंकुश अधिकारियों पर नहीं है, इसलिए ऐसी हरकत है। और इसने सीओ को मैंने अवगत कराया तो बच्चे भी आज वहाँ मिलने आए उनसे बीओ जी। आदेश जिस तरीके से बच्चों ने भी मांग की है, क्योंकि शिक्षा अधिकारियों द्वारा केंद्र संचालन पर रोक लगाई गई थी, क्या कुछ इसका अहम कावड़ रहा था जिस तरीके से मार्च में इसके संचालन को रोक दिया गया था? नहीं, ये जो मैंने आपको पहले बोला ये अधिकारियों की लापरवाही है। एक बात देखिए कि जिस उससे पड़ोस में वहाँ से लगभग 3 या 4 किलोमीटर का स्कूल है, वहाँ 10 बच्चे हैं, वहाँ 2 टीचर हैं जिनका एक का वेतन 1,10,000 रुपए लगभग पड़ता है जी। और वहाँ मात्र वो 10,000 रुपए का टीचर है और वहाँ 65 बच्चे हैं जी। हम 20,000 रुपए में शिक्षा दे रहे हैं उन बच्चों को, वहाँ स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे अधिकारी है वो लापरवाही बरत रहे हैं। ठीक है, आदेश सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि जसपुर में छात्राओं ने एक बार फिर से शिक्षा केंद्र खुलवाने की मांग की है, क्योंकि शिक्षा अधिकारियों द्वारा केंद्र संचालन पर मार्च के महीने में रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से वहां पर छात्रों को शिक्षा में काफी बाधा मिल रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ जसपुर से संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से ये शिक्षा केंद्र संचालित था, कहीं ना कहीं बच्चों को काफी सुविधाएं इसके माध्यम से मिल रही थी, और जब से इसके संचालन पर रोक लगी है और वहां पे जो छात्राएं हैं उनकी ओर से लगातार मांग की जा रही है कि एक बार फिर से इसका संचालन शुरू किया जाए, क्या लगता है किस तरीके की मांग की जा रही है और क्या कुछ अहम एक्शन इस पर लिया जा सकता है? जी, तो अहम बात है, जो केंद्र संचालित था इन्होंने मार्च में इसको बंद कर दिया है और उसके बाद अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। अब जो अधिकारी कह रहे हैं, अधिकारियों का कहना यह है कि जो निकटतम विद्यालय है उसमें छात्रों का एडमिशन करा दिया जाए, लेकिन अभिभावक इससे संतुष्ट नहीं है। अभिभावकों का साफ तौर से कहना है कि जंगली क्षेत्र का मामला है कि गुजर क्षेत्र के वन क्षेत्र में है, गुजर बस्ती जो है और वहाँ से निकलना गुजरना बड़ा ही जोखिम भरा कार्य है, कभी भी किसी अप्रिय घटना को दावत दे सकता है। और जिसको लेकर के लगातार उन्होंने कल शिक्षकों के साथ छात्र छात्राओं व अभिभावकों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर जसपुर बीआरसी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन अधिकारी उस वक्त मौके पर नहीं मिले, जिसके चलते उन्होंने एक अपना शिकायती पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के नाम दिया और उसके बाद चले गए। लगातार उनकी मांग यही है कि इस केंद्र को उन्हें संचालित किया जाए जैसा संचालित था, जिससे बच्चों को साक्षर बनाया जा सके। ठीक है प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।